आप भी अगर अपनी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन एंजल वन पे अकाउंट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इस एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाना कंप्लीटली फ्री है, यानी आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। तो चलिए ध्यान से प्रोसेस को देखिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको भी इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर इस अकाउंट बनाने के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं वहां आपके हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से एंजल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूं। एप्लीकेशन इंस्टॉल होते ही आपको उसे ओपन कर लेनी है। ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर इसे नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको नीचे साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर को एंटर कर देता हूँ। तो चलिए मैंने मोबाइल नंबर को एंटर कर दिया है। अब आपको रेफरल कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फिर भी इस स्क्रीन पर दिख रहे रेफरल कोड को आराम से एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो चलिए मैं इसे टैप कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर कुछ परमिशंस को अलाउ करना है। तो चलिए मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। इसके लिए आपको ग्रांट परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। सारे परमिशंस को ग्रांट करने के बाद आपके सामने OTP आ जाएगी। OTP ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर डिटेल्स को एंटर करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले से फिल होगा। आपको यहाँ आपका फुल नेम एंटर कर देना है। तो चलिए मैंने फुल नेम को एंटर कर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपके आधार और पैन कार्ड में फुल नेम है वही फुल नेम को यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपको फिर से यहाँ रेफरल कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर रेफरल कोड दिख रही है, आप उसे आराम से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शन ऑप्शनल है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको KYC वेरिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले ईमेल एड्रेस को एंटर करना है। तो अब आप यहां पर कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करके एक ईमेल एड्रेस को चूज कर सकते हैं, जितने भी ईमेल एड्रेस आपके इस मोबाइल फोन पर लॉगिन होंगे। ईमेल एड्रेस को चूज करने के बाद आपके सामने आपके पैन कार्ड की डिटेल्स आ जाएगी। जो फुल नेम और आपने मोबाइल नंबर एंटर किया था उससे ये ऑटोमेटिकली आपका पैन कार्ड फेच कर लेगा। अगर आपका ये ऑटोमेटिकली फेच नहीं होता है तो आप यहां पर मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। पैन कार्ड डिटेल्स को सबमिट करने के बाद आपके सामने ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन आएगा। तो आपको ऑथेंटिकेट आधार के ऑप्शन पर टैप कर देना है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर को एंटर करना है। तो चलिए मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, जो मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड है। तो चलिए अब मैं OTP को एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आपको फिर से सबमिट के बटन पर प्रेस कर देना है। उसके बाद ये आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। OTP एंटर करके सबमिट करने के बाद आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपके डिजी लॉकर की 6 डिजिट की पिन को एंटर करना है। अगर आप अपने डिजी लॉकर की सिक्योरिटी पिन को भूल गए हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां से इजीली उस वीडियो को देखकर अपने सिक्योरिटी पिन को पता कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन पता करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन को यहां पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं इसे एंटर कर देता हूं। सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपको डन के ऑप्शन पर टैप कर देनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड के सामने ग्रीन कलर की एरो टिक दिख रही होगी, वैसे ही आपको पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड के सामने भी टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे अलाउ के ऑप्शन पर टैप करना है। डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली फेच होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई बैंक अकाउंट में आपको बैंक अकाउंट एंटर करना है। अब बैंक वेरिफिकेशन के लिए आप किसी UPI को चूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ ऐड बैंक डिटेल्स मैनुअली के ऑप्शन पर टैप करके अपने मैनुअली अपने बैंक डिटेल्स को एंटर कर देता हूँ। बैंक डिटेल्स को एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर को एंटर करना है। फिर से आपको कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर के ऑप्शन पर बैंक अकाउंट नंबर को फिर से एंटर करना है। उसके बाद आपको IFSC कोड को एंटर करना है। बैंक डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पर टैप कर देनी है। यहाँ आपको कुछ समय का वेट करना है, आपका बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके सेल्फी को अपलोड करना है। तो अब आपको यहाँ नीचे ओपन कैमरा का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको ओपन कैमरे के ऑप्शन को टैप करनी है और आपको एक लाइट के एरिया में चले जाना है और आपका बैकग्राउंड पूरा प्लेन होना चाहिए। फिर आपको वहां से आपके सेल्फी को क्लिक कर लेनी है। सेल्फी को क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर टैप करना है। उसके बाद आपके सामने आपके सिग्नेचर को एंटर करने का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैनुअली सिग्नेचर कर लेनी है। आप अपने उंगली का इस्तेमाल करके आसानी से यहाँ पर साइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ एंटर कर देता हूँ। अगर आपके सिग्नेचर में कोई गड़बड़ी हो जाए तो आप नीचे डू इट अगेन के ऑप्शन पर टैप करके फिर से सिग्नेचर एंटर कर सकते हैं। सिग्नेचर एंटर करने के बाद आपको नीचे सबमिट के बटन पर टैप कर देनी है।
इतने डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपकी इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप चाहें तो यहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर करेंसी ट्रेडिंग के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो नीचे डू इट लेटर के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ प्रोसीड करता हूँ। अब आपके एंटर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, आपको उस OTP को यहाँ एंटर कर देना है। तो चलिए मैं इस OTP को यहाँ एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करते ही आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आपको यहाँ लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट के ऑप्शन पर टैप करना है। के बाद आपके सामने थैंक यू कंसेंट इज रिसीव्ड सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा और आपका कंसेंट सक्सेसफुली रिसीव्ड हो जाएगा। अब आपको यहाँ एनुअल इनकम डिटेल्स को एंटर करनी है। तो आप यहाँ पर से चार स्लैब दिए हुए हैं, आप किसी एक को चूज कर सकते हैं जो भी आपकी एनुअल इनकम होगी। अगर आप चाहें तो नीचे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए भी कंसेंट दे सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप करके आगे प्रोसीड करता हूँ। अब आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप को चूज कर लेनी है। तो चलिए मैं इसे चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको गेट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ऑन व्हाट्सएप के ऑप्शन पर टैप कर देना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप पर भी चली जाए। अब आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप करना है। अब आपको एडिशनल डिटेल्स में आपके फादर नेम को एंटर करना है, फिर आपको जेंडर चूज करनी है, फिर आपके मैरिटल स्टेटस को चूज करना है। तो चलिए मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब आपको नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आपके सामने नॉमिनी ऐड का ऑप्शन आएगा, आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं या फिर आप डू इट लेटर के ऑप्शन पर टैप करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं डू इट लेटर के ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ। अब आपके सामने आपके KYC एप्लीकेशन की प्रीव्यू आ जाएगी, आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। फिर आपको नीचे प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पर टैप कर देना है। आपको यहाँ पर फिर से आधार नंबर को एंटर करना है। तो चलिए मैं आधार नंबर को एंटर कर देता हूँ। ध्यान रहे, आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर करवाई गई है ताकि आपके डॉक्यूमेंट पर इलेक्ट्रॉनिकली साइन करवाई जा सके। तो चलिए अब आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं इसे एंटर कर देता हूँ। फाइनली आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगी, आपके अकाउंट रिव्यू की प्रोसेस में चली गई, आपको 3 दिन का वेट करना है। आपके अकाउंट सक्सेसफुली रिव्यू होने के बाद यूज होने के लिए रेडी हो जाएगी। वैसे तो यहाँ 3 दिन का वक्त लिखा है, लेकिन आपका अकाउंट 6 से 10 घंटे में भी वेरीफाई होकर रेडी हो जाएगी और आप उसे इजीली यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इस पर फिर से लॉगिन करके अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर को बाय कर सकते हैं। तो देखा आपने Angel One पर अकाउंट बनाना कितना आसान और कितना सरल था। तो आप भी अपने Angel One पर अकाउंट बनाइए और ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी Angel One पर अकाउंट बनाकर शेयर्स खरीद सकें और बेच सकें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।